और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबर की ओर। इंदौर शहर में पार्षद प्रत्याशियों का जनसंपर्क लगातार जारी है। वार्ड क्रमांक 63 के बीजेपी प्रत्याशी मृदुल अग्रवाल ने जनसंपर्क किया, साथ ही पिछली बस्तियों में जनसंपर्क के दौरान रहवासियों से मुलाकात की और लोगों की समस्याएं जानी। इस दौरान प्रत्याशी मृदुल अग्रवाल के साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा मौजूद रहे। प्रत्याशी मृदुल ने बताया कि पिछले कार्यकाल में बीजेपी द्वारा कई काम किए गए हैं, लेकिन जो कार्य रह गए हैं उन्हें जीतने के बाद किया जाएगा। इंदौर शहर में गलियों से लेकर सड़कों तक चुनावी माहौल है। आप पीछे देखेंगे कि घर की हर चौखट पर अपने अपने प्रत्याशी के लिए एक विजय तिलक की जो थाल सजी हुई दिखेगी। और एक इंदौर की ये संस्कृति कहें या परंपरा कहें कि जब भी चुनाव आते हैं तो पूरे शहर में एक उत्सवी त्योहार जैसा माहौल होता है। इसी बीच हमारे बीच मौजूद है बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा जी और वार्ड नंबर 63 से बीजेपी के प्रत्याशी हैं मृदुल अग्रवाल जी। उनसे बात करते हैं कि आप वार्डों में दौरा कर रहे हैं और क्या किस तरह से समस्याएं आ रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा इंदौर नंबर वन रहा है, लेकिन अभी जितने भी पार्षद प्रत्याशियों से बात हो रही है तो कहीं ना कहीं गलियों में आज भी काफी ऐसी स्थिति है जो काम करने की बहुत जरूरत है। तो आप बताएं क्या कैसा मिल रहा है। हमारे जो पूर्व पार्षद है और जो टीम है रितेश भैया के नेतृत्व में, सबने काम बहुत अच्छा किया है। थोड़ी परेशानी बरसात में आती है, ठीक है, उसको अब सब जब परिषद बनेगी जब सारी जो छोटी छोटी परेशानियां उसको ठीक किया जाएगा। आप एक मैं आप चूंकि जैसे प्रत्याशी जीत के आएंगे तो पहली प्रायोरिटी वार्ड के लिए क्या समझते हैं कि पहला क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो जो जमा का समय जो पानी का या जमा होगा, सबसे पहले तो उसको निकालने की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, गंदा पानी लोगों को जो मिल रहा है या मिलेगा तो उसके लिए भी सबसे पहले प्राथमिकता हो रहेगी कि पानी सबसे शुद्ध मिले उनको, ये सबसे बड़े प्राथमिकता रहेगी। मतलब कहीं ना कहीं नर्मदा में गंदे जल की समस्या पानी बरसात के कारण थोड़ी बहुत आ रही है। वैसे बहुत अच्छा काम किया है पूर्व पार्षद ने, ऐसी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। ठीक है, थोड़ी बहुत परेशानी आती है तो वो उसका निकाल कर लिया जाएगा। जैसे दूसरी समस्या अगर देखा जाए, अभी पार्षदों जो प्रत्याशी हैं, एक जो नंबर वन को लेकर जो बातें हो रही हैं, जैसा कि आपने कहा, तो कहीं ना कहीं ये हम मानते हैं कि हम इंदौर को स्मार्ट तो बना रहे हैं, लेकिन जो इंदौर पुराना इंदौर है उसमें हम स्मार्टनेस में बहुत पीछे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, काम हो रहा है सब दूर, पर स्पीड थोड़ी सी मान सकते हैं धीमी है, पर काम सब दूर हो रहा है। ये दो साल से अभी परिषद नहीं थी इसलिए काम थोड़ा ठंडा पड़ा था, पर अब काम वापस से जब नई परिषद बनेगी तो वापस से गति लाओ। कैसा माहौल है जनता के प्रति, क्या अच्छा है उमेश भैया? उमेश, मैं आपसे मैं जानना चाहूंगी आपसे मैं जानना चाहूंगी टाइमिंग। बहुत अच्छे से 16 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा। पुष्यमित्र भार्गव 2.5 लाख वोटों से जीतेंगे और 85 वार्ड में मृदुल अग्रवाल सबसे ज्यादा वोटों से जीतेगा। भारत माता की जय। आप अपनी बात रखते हैं, अच्छे से बाखूबी रखते हैं। एक नंबर संजय भैया जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बोल रहे हैं कि वकील है, कौन प्रत्याशी है? पुष्यमित्र भार्गव। एक जो जनसंपर्क का माहौल है देखते ही बनता है, लेकिन ये तो प्रदेश प्रवक्ता उमेश शर्मा के कहने से क्या होता है, ये तो जनता बताएगी कि इंदौर मेयर सिंहासन पर कौन बैठेगा और जनता किसको चुनेगी। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ शीतल राय, इंदौर।